हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजकुमार शर्मा, इनिशियली इज आर्किया बीटेक आईआईटी धनबाद एंड ऑथर ऑफ रोडो सॉल्यूशन। ठीक है, आज मैं आपको वर्नियर कैलिपर सर्विस कुरियर के क्वेश्चन जेई एडवांस में खूब आते हैं, दोनों पेपर के लिए दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके फियर से हटना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो मॉड्यूल में क्वेश्चन देखते हो ना, आंसर ओरिएंटेड होता है, मैथड आंसर ओरिएंटेड होता है, तो वहां पे तो हो जाता है, बट एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका फियर होता है कि हम अटेम्प्ट करते हो, डर लगता है। अगर तुम सही से देखो ना तो रियल में डर लगता है। एडवांस में के अंदर आए हुए थोड़ा सा इधर उधर घुमा हुआ क्वेश्चन अगर स्क्रूगेज बनने का लिपर्स का है तो भले ही पढ़े हो लगता है कि नहीं होगा, ये फियर अब नहीं होगा, इस फियर को यहां से खत्म होना है। जैसे मैं कह रहा हूँ बस वैसे करो, अभी तुम्हें टिपिकल क्वेश्चन चाहे जैसा भी क्वेश्चन होगा तुम उस पर लगाओ, एकदम आंसर सही आएगा, एकदम आंसर सही है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो तुम्हें ध्यान रखना है, एक एक करके बताता हूं। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट पढ़े हो, -1 -1 एक एक करके स्क्रीन पर दिख भी रहा है और बहुत सारी चीजें मैं बता भी नहीं जा रहा, पॉइंट तुम्हें नोट करना है, कॉपी उठाओ नोट करो और यही करना। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट अगर तुम्हें कोई कहता है तो होता है मॉड ऑफ, मॉड है, मॉड इंपॉर्टेंट है, मॉड ऑफ 1 BSR। देखिए, लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का मॉड ऑफ 1 MSR - 1 BSR। इट इज ओनली वैलिड अंडर इधर n+1 VSR = n MSR या n+1 MSR = n BSR। अगर क्वेश्चन लिखा गया कि 10th VSR = 9th MSR या लिखा गया 21 BSR = 20 MSR या लिखा गया 50 MSR = 49 BSR, ऐसा मतलब एक कड़ी फ्रेंड्स हो, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला लिस्ट काउंट 1 MSR - 1 BSR। इट्स फॉर्मूला इज ओनली वैलिड अंडर दिस कंडीशन, इधर n+1 VSR = n MSR या n+1 MSR = n BSR, n इज एनी इंटीजर नंबर, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला लिस्ट काउंट के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो डिस्काउंट निकालने के लिए, वर्नियर कैलिपर्स के लिए? तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए तुम्हें जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे मैंने वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट चाहे कैसा भी हो, ठीक है, कितना किसी की बैलेंस हो रहा हो, इसका 4 उसका 10 ऐसा कुछ बैलेंस हो रहा हो तो भी उस मेथड से तुम निकाल सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना लिस्ट काउंट का। अब तुम्हारा प्रॉब्लम दूर हो गया लिस्ट काउंट का, कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालना है तो 1 MSR - 1 VSR कब लगेगा, जब n+1 BSR / n MSR या n+1 MSR / n BSR होगा। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से क्लियर हो जाएगा, लिस्ट काउंट प्रॉब्लम खत्म। सेकेंड लाइन, जब वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग करते हो मतलब ऑब्जर्व रीडिंग, तो ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस लिस्ट काउंट इंटू VSR। मेन स्केल रीडिंग जो 0 के पहले होगी प्लस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इनटू VSR, MSR नहीं VSR रैंक किया जाता है, मतलब वर्नियर कैलिपर्स का कौन सा पार्ट MS मेन स्केल की किसी से कॉन्टैक्ट कर रहा है, वर्नियर का कौन सा अंडरलाइन है, वर्नियर का कौन सा अंडरलाइन, वर्नियर का कौन सा पार्ट मेन स्केल से कॉन्टैक्ट कर रहा है, ये नहीं कि मेन स्केल का कौन सा कॉन्टैक्ट कर रहा है, वर्नियर कौन सा कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है इस कंडीशन कि n+1 VSR = n MSR जिस क्वेश्चन में होगा उसी क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। लिस्ट काउंट 1 MSR - 1 BSR ये तो इस दोनों केस में, बट इन दोनों में से सिर्फ ऊपर वाले केस में n+1 VSR / n MSR बड़ा उसी में फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन में दिया गया है कि n+1 VSR / n MSR देन ऑब्जर्व रीडिंग कॉस्ट टू MSR प्लस लिस्ट काउंट इनटू VSR, आप ये लगा सकते हैं इस कंडीशन में आने के बाद। इसके अलावा कोई भी दूसरा कंडीशन हो तो n+1 VSR = n MSR उस केस में क्या करता है, ऑब्जर्व रीडिंग इक्वल टू MSR, ये MSR एग्जैक्टली सेम ना होता है, प्लस x, x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 0 mark of VSR - 0 mark of MSR, मतलब जो मेन स्केल का 0 mark है ना
जीरो मार्क ऑफ वी एस आर है, जीरो मार्क ऑफ एम एस आर, ये जीरो मार्क ऑफ एम एस आर नहीं लिख रहा है इसका, ठीक है। एक्चुअल में तुम्हें क्या करना है, जो जीरो मार्क ऑफ वी एस आर के बीच का डिस्टेंस है और एम एस आर का जो मार्क है ना, जीरो वी एस आर के जीरो वाले पहले का, अभी मैं दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या है। यहां से जीरो हटा दो, वन सेकेंड रुको, ये रहने दो, ये जीरो बस हटाओ यहां से, ये जीरो हटा दो, सॉरी ये तो रहेगा ही, ये जीरो हटा दो। मार्क ऑफ एम एस आर, मार्क ऑफ एम एस आर इसका मतलब मैं बताता हूँ, मार्क ऑफ एम एस आर क्या है। जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, ये है, ये वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, इसमें लीस्ट काउंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्चुअली मैं अब थोड़ा सा एक बताता हूँ, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, समझ लो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा टाइम दो। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो वर्नियर स्केल का 10th पार्ट मेन स्केल के 9th पार्ट के बराबर है, तो इसका जो लीस्ट काउंट आएगा, इसका जो लीस्ट काउंट आएगा वो बताता हूँ, देखो एक सेकेंड, देखो इसमें क्या है, नाइन्थ टेंथ वी एस आर, टेंथ वी एस आर टेंथ वी एस आर इज इक्वल टू नाइन्थ एम एस आर है। यहाँ पे बस एक जगह बताते हैं ना, उसके बाद समझाऊंगा ना, हिम्मत रखना बस, थोड़ा पेशेंस रखना। टेंथ वी एस आर इज इक्वल टू नाइन्थ, ये नीचे का मेन स्केल है, नाइन्थ एम एस आर के बराबर। यहाँ से वन वी एस आर क्या आएगा, पॉइंट नाइन एम एस आर आएगा, और यहाँ पे एक एम एस आर, देखो एक एम एस आर ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये एम एम के मार्क है, एम एम के मार्क है, मतलब 0.9 एम एम के बराबर है। कोई पूछे लीस्ट काउंट बताइए, तो 1 एम एस आर इज 1 एम एम माइनस 1 वी एस आर इज 0.9 एम एम, 0.1 एम एम। और ये फॉर्मूला में तभी लगा पाना क्योंकि देखो एन प्लस 1 वी एस आर बराबर एन एम एस आर है, लीस्ट काउंट लगा दिया, अदरवाइज नहीं लगा दिया, लीस्ट काउंट निकाल दिया। अब ऑब्जर्व रीडिंग क्या होती है, ऑब्जर्व रीडिंग जो पढ़ते हो ना वो होती है तुम्हारी एम एस आर प्लस लीस्ट काउंट, बताता हूँ क्यों ऐसा होता है, इंटू वी एस आर क्यों लिखा जाता है। देखो क्या होता है, एक्चुअली में जो मिनिमम मेजरमेंट है ना इसको थोड़ा तुम सही से देखना, यहाँ पे जो गैप है इस गैप को सही से देखो, ये वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल को अगर तुम्हें स्लाइड करवाना है ना, राइट से सिलेक्ट कर, लेफ्ट नहीं करा पाओगे राइट, क्योंकि वर्नियर मेन का जगह ऐसे होता है, वर्नियर का जगह ऐसे होता है, तो वर्नियर को इधर राइट शिफ्ट करते हो ना, थोड़ी लेफ्ट में शिफ्ट करके उस मेन वाले जॉ को तोड़ दोगे, तो वर्नियर के जॉ को तुम पीछे शिफ्ट करते हो, पीछे शिफ्ट करते हो, मतलब इधर ही राइट साइड शिफ्ट करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है राइट साइड शिफ्ट करना, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, अच्छा ये गैप, ये वर्नियर कैलिपर्स का 1 वी एस आर है और ये मेन स्केल का 1 एम एस आर है, दोनों का बीच का गैप 0.1 होगा, 0.1 होगा, क्योंकि 1 एम एस आर माइनस 1 वी एस आर, ये ना 1 एम एस आर माइनस 1 वी एस आर 0.1 एम एम आया है, तो ये क्या है, 1 एम एस आर माइनस 1 वी एस आर 0.1 एम एम का गैप आ गया, ये 0.2 एम एम का गैप होगा, क्यों, क्योंकि 2 एम एस आर में से 2 वी एस आर घटाओगे ना, ये 0.2 का गैप होगा, ये 0.3 का गैप होगा, ये 0.4 का गैप होगा, ठीक है, और ये 0.5 का गैप होगा, ये 0.6 का गैप है, ये 0.7 का गैप है, ये 0.8 का गैप है, ये 0.9 का गैप है, ये चल रहा, ठीक है। और देखो इसका इसका 10 का गैप बन गया, पॉइंट मतलब 1 एमएम का गैप है, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा, अगर तुम वर्नियर को शिफ्ट करोगे तो मिनिमम अब इसमें देखो, अब मैं बता रहा हूं मेजरमेंट, वन सेकेंड,
वेट करो, ये देखना। ये अब वर्नियर स्केल को तुम इधर बढ़ाना, इधर बढ़ाना ना, जितना इस वर्नियर स्केल को इधर बढ़ाओगे उतना ही तो इधर से जब पार्ट आएगा वो मेजरमेंट में जाएगा। देखो मैंने इसको मिनिमम कितना बढ़ाओगे, मिनिमम बढ़ाओगे कि ये इसको कोइंसाइड करता है, ये वाला पॉइंट इस रॉड को कोइंसाइड कर जाए, यहाँ पे इस रॉड को कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड किया। अब ये कोइंसाइड किया तो 0.1 mm, हाँ कोइंसाइड करके ये देखो तो 0.1 mm बढ़ने को आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे गैप देखो इस ये वाला मार्क और ये वाला बड़ी बड़ी लाइन के बीच का गैप 1 mm दिख गया ना, 1 mm के साथ गया, 0.1 mm के साथ गया, ठीक है। तो कौन सा मार्क मैच किया, वर्नियर स्केल का जो पहला वाला मार्क है, पहला वाला मार्क वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो रीडिंग क्या आएगी भाई, लीस्ट काउंट 0.1 mm इनटू वर्नियर स्केल कौन सा मैच किया वन, तो वर्नियर स्केल 0.1 mm आगे भागा। अब इसको एक और ऐसे भगाता हूँ, अब देखो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, अब ये वर्नियर स्केल का दूसरा कोइंसाइड कर रहा है, दूसरा कोइंसाइड कर रहा है मतलब ये है कि ये 0.2 mm इधर था जो कि वर्नियर स्केल को 0.2 mm राइट साइड बढ़ाने के बाद इस पे कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो खाली जगह यहाँ पे बच रहा है ना, ये खाली जगह यहाँ पे जो बच रहा है ये 0.2 mm का है, इस वर्टिकल लाइन और वर्नियर के वर्टिकल लाइन के बीच 0.2 mm का है, ठीक है। तो वो किस तरीके से आएगा, तो लीस्ट काउंट 0.1 इनटू वर्नियर कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, दूसरा कोइंसाइड कर रहा है, इसको और आगे बढ़ा दो। अब ये तीसरा कोइंसाइड कर गया, तीसरा क्योंकि तीसरा पहले 0.3 mm की दूरी भी था, वर्नियर का तीसरा कोइंसाइड किया, यही रीजन है। अब देखो अब ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट ये 0.3 के बराबर है बेसिकली, ये बेसिकली 0.3 के बराबर, ये बेसिकली ये 0.3 के बराबर है जो कि वर्नियर के तीसरे कोइंसाइड होने सारा है, इसीलिए फॉर्मूला लगता है ऑब्जर्व रीडिंग बराबर एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इनटू वीएसआर लगता है, वीएसआर लगता है। लेकिन ये तभी लगेगा जब वीएसआर 10 वीएसआर 9 एमएसआर या एन प्लस 1 वीएसआर और एन एमएसआर हो तभी लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। वही चीज मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो फॉर्मूला है ऑब्जर्व रीडिंग बराबर एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इनटू वीएसआर इट इज ओनली वैलिड अंडर दिस कंडीशन। उसके बाद ये अब इसके लिए क्या करना, अगर ये इक्वल नहीं है तो अच्छा ये बात करो, ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, इसमें भी वैलिड है, इसमें वैलिड है, ये जनरल इसी से डिराइव करके फॉर्मूला बन जाएगा अगर डिराइव करोगे तो इक्वल हो या नॉट इक्वल हो आप, ये जनरल है बट इट इज दिस वन इज द मोर इजियर अप्रोच कंपेयर टू दिस, ठीक है। वन सेकेंड, वन सेकेंड, दिस वन इज द मोर इजियर अप्रोच, ये इजियर अप्रोच है, ठीक है, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एक्स निकालना पड़ेगा। अब एक्स क्या, मैं बताता हूँ एक्स क्या है, एक्स क्या थोड़ा ध्यान देना, एक्स है कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये वन सेकेंड, अब मैं बताता हूँ आपको इसको, ये सपोज करो ये ऐसे आ गया यहाँ पे, ऐसे बन गया। अब x क्या, मैं बताता हूँ x है, कैलकुलेशन कर लें, वन सेकेंड, ठीक एक्स ये दूरी देखना, बर्नियर स्केल का जीरो मार्क है, बर्नियर स्केल का जीरो मार्क है, जीरो मार्क है, इस जीरो के जस्ट पहले मेन स्केल का ये मार्क है, ये 5 mm, ये 6 mm, मतलब एमएसआर 6 mm हो गया प्लस लीस्ट काउंट 0.1 mm था। अब ये जो वैल्यू है ना बेसिकली एक्स क्या, मैं बताता हूँ वन सेकेंड यार, वन सेकेंड पहले रीडिंग पढ़ ले फिर बताता हूँ एक्स कैसे आ रहा है। तो 0.1 mm लीस्ट काउंट क्योंकि इसमें तो लग ही सकता है, और कौन सा मैच कर रहा है देखो, ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, तो बर्नियर कौन सा पार्ट है, 5, 6, 7वां मैच कर रहा है, सातवां। तो आपने रीडिंग क्या बताया, आपने रीडिंग बताया 6.7, बेसिकली ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है 0.7, यही हमारा एक्स है, मतलब ये जो टर्म है दिस वन इज द एक्स। तो एक्स 0.7 कैसे आ रहा है ये बता देना, और एक्स कौन सी दूरी में बताता हूँ, एक्स जो दूरी है ना ये बर्नियर का ये जीरो, बर्नियर का ये जीरो और ये मेन स्केल है ना,
ये मेन स्केल का जो मार्क है, ये जीरो का जस्ट पहले वाला मार्क, ये दूरी बेसिकली एक्स है, दिस डिस्टेंस इज एक्स, दिस डिस्टेंस इज एक्स। ठीक है, अब मैं बताता हूं, क्योंकि रीडिंग यहां, रीडिंग यहां तक है ना, ये जो जीरो है वर्नियर का जीरो, रीडिंग यहां तक आएगी, यहां तक आएगी, यहां तक। तो तुम्हें ये एक्स निकालना पड़ेगा, प्रूफ करो कि एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0.7 आना चाहिए। तो ये प्रूफ कैसे करोगे, ये जीरो वाला ये लेंथ कैसे आएगा, इस लेंथ के लिए मैंने क्या किया, इस लेंथ के लिए ये इक्वल गैप है ना, वन सेकेंड नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहां से चलो और यहां से ये कहां कौन सेट किया, यहां पे, यहां पे चलो, इसमें से तुम्हें इस दूरी को घटाना पड़ेगा, इस दूरी को, समझ रहे हो, मतलब हमें ये एक्स दूरी निकालना, ये दूरी निकालना, ये कैसे निकलेगी, इस लाइन से लेके जहां पे कौन साइड हुआ है वहां तक जाओ और उसमें से बर्नियर का ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। तो ये कितना पार्ट देखो, तो मेन पे कितना पार्ट आ रहा है, ये वन है मेन का, अब यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी पड़ेगी ना, कितना हो गई दूरी, तुम देखो ये वाला क्या, ये पांच है, ये छह है ना, ये छह है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी बनेगी बताओ, ये दूरी कितनी बनेगी, तो बताता हूँ, इसका मार्क सिक्स है, देख लो सिक्स, इसका मार्क क्या है, ये 10, 11, 12, 13 मार्क है, ये 13 मार्क है। तो ये जो दोनों के बीच का गैप क्या आ गया, ये दोनों के बीच का गैप बन गया 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 कितना होता है, 13 से 6 घटाओ 8, नहीं तो 7 होता है, 7 mm, 7 mm में से तुम्हें घटाना है कितना, तुम्हें ये घटाना है यहाँ से लेके हाथ तक की दूरी। तो ये बर्नियर की कौन सी दूरी बताओ, तो ये बर्नियर का 5 है, ये 6, ये 7 है, बर्नियर का 7वां है, तो 7वां 7 में से तुम्हें 7 इंटू 1 VSR किसके बराबर है, एक VSR की दूरी कितनी है, ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है तुम्हें, तुम क्या करोगे, 7 में मल्टीप्लाई करोगे एक VSR की दूरी, एक VSR क्या 0.9 है, 0.9 मल्टीप्लाई कर दो, कितना गया, नाउ 63, 6.3, दिस वैल्यू इज 0.7 आ गया, दिस इज 0.7। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रीडिंग में तुम्हें ये एक्स निकालना पड़ेगा, और यही वाला एक्स इस जो फार्मूला में लिखवाया ना, जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये एक्स वही वाला एक्स, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीरो मार्क का वीएसआर इनटू एमएसआर का कौन सा मार्क दिखाओ, कौन सा मार्क, जीरो मार्क ये वीएसआर ये, और एमएसआर का जीरो के जस्ट पहले वाला मार्क, उसकी बीच की दूरी है जीरो, एम एस आर मार्क जस्ट बिफोर जीरो ऑफ बर्नियर, इसको तुम ये लिखो ना, इस लाइन को लिखना चाहते हो ना, तुम बेटर है कि ऐसे लिखो इसको ना, इस एक्स को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ से हटा दो, यहाँ लिख दो एक्स क्या, अलग से कॉपी पे लिख दो इसको, एक्स क्या लिख दो, एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन जीरो मार्क ऑफ बर्नियर, वर्नियर स्केल माइनस एमएसआर मार्क जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर, जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर। ठीक, रिपीट कर दे रहा हूं, क्या है ये वाला एक्स कैसे निकालोगे, तो अच्छा इसमें से इसे घटाना है ना, तो उल्टा घटा रहा है, लिख रहा है आ गया, ये ऐसा ना, ये डिस्टेंस बिटवीन, हाँ ठीक था, डिस्टेंस बिटवीन है, कोई बात मतलब आपको क्या निकालना था, वन सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन बर्नियर का जीरो मार्क और जीरो के जस्ट पहले वाला मेन स्केल का जो मार्क है उसकी बीच की दूरी है, और उस दूरी को निकालने के लिए तुम इस कॉन्सेप्ट का हेल्प लोगे कि कहाँ पे कौन साइड हो रहा है, उस दूरी को निकालेंगे, उसमें से बर्नियर स्केल का लेंथ घटा देंगे, वो एक्स आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, एंड दिस इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज मतलब ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड, चाहे कोई भी कंडीशन होल्ड करे, ठीक है, चाहे ये होल्ड करे, ये चाहे ये, चाहे कोई भी होल्ड करे, इट इज ऑलवेज वैलिड, इसलिए लिखा ऑलवेज, आपको बर्नियर पे अब ध्यान रखना है, क्या समझ रहे हो सारी बातें, कि ये कब लगाना है इस कंडीशन में, ये कब लगाना है, ऑलवेज लगाना है, ये कब लगाना है, तो इन दोनों में लगेगा, बट इन दोनों में से
ये वाला सिर्फ इस ऊपर वाले केस में लगेगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है तो लिस्ट कंट्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना। ये तो मैंने बार-बार को समझाया। अब आते हैं तुम्हें स्क्रू गेज पे। इस गेज का लिस्ट काउंट इज ऑलवेज पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। इस गेज का पिच काउंट हमेशा पिच क्या होता है, इस पिच का होता है। इस गेज का लिस्ट काउंट इज ऑलवेज पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, कुछ और नहीं होता उसमें। क्या होता है, सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है ना, उसके एक एक पार्ट का मेजरमेंट होता है। एक एक सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन बने होते हैं ना, 100 डिवीजन है, तो एक डिवीजन कितने लेंथ के बराबर है, दैट इज द लिस्ट काउंट। वो एक चक्कर घुमाने में ना जितना दूर आगे बढ़ेगा, ठीक है, उतने ही दूरी को तुम 100 से डिवाइड कर दो, 50 से या 200 से, जो भी दिया, 20 से जो दिया गया उसे डिवाइड कर दो, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द सर्कुलर स्केल, ठीक है। और सर्कुलर स्केल पे एक और इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें ध्यान रखना होगा, मैं बताता हूँ। ये तो लीस्ट काउंट ऑफ द सर्कुलर स्केल इज ऑलवेज वट एवर, बट ऑलवेज पीच अपॉन सी एस आर, सर्कुलर स्केल डिविजन, सी एस डी लिखा, सर्कुलर स्केल डिविजन, हमेशा इसको रीडिंग ऑब्जर्व रीडिंग क्या होगा, एम एस आर प्लस डिस्काउंट इंटू सी एस आर, सी एस आर। ये भी आपको हमेशा होल्ड करेगा, हमेशा होल्ड करेगा। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा एम एस आर में प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो ऐसा है, ऐसे मार्किंग बनेगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। जैसे मान लो ये 0 मार्क है, ये 1 mm है, ये 2 mm है, ठीक है, ये 0.5 वाला मार्क है। अब अगर तुम पीच को घुमा रहे हो, अगर पीच करो, अगर तुम सर्कुलर इसको घुमा रहे हो एक चक्कर घुमाने के बाद अगर सिर्फ मेरी स्केल पे इतना चल रहा है, 0.5 चल रहा है, 0.5 चल रहा है, तो फिर इस 0.5, इस 1 और ये बीच का छोटे मार्क है ना, इसका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है। तो एम एस आर में ना तुम्हें इसे काउंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो सर्कुलर स्केल यहाँ तक आ गया, ऐसा यहाँ तक आ गया, तो इसके जस्ट पहले वाला ये 1 तुम पढ़ोगे, सर्कुलर स्केल यहाँ पे आ गया, इसके जस्ट पहले वाला 1.5 ही पढ़ोगे। लेकिन एक चक्कर घुमाने के बाद मान लो सर्कुलर स्केल पे 0.5 नहीं दिख रहा है, मेन स्केल पे वो पूरा पूरा 1 mm दिख रहा है, पूरा पूरा 1 mm दिख रहा है, तो जब रीडिंग पढ़ोगे तो फिर इस 0.5 का, इस 1.5 का कोई मतलब नहीं है, तो तुम इसको इरेज कर दो, इरेज कर लोगे। तब कोई पूछे कि अब बताइए अगर सर्कुलर स्केल यहाँ पे है तो एम एस आर इसको पढ़ोगे, सर्कुलर स्केल यहाँ पे होगा तभी भी एम एस आर तुम इसको पढ़ोगे, इस 1.5 का नहीं पढ़ोगे, क्योंकि एक चक्कर घुमाने पर 1 mm चल रहा था, तो 0.5 का क्या मतलब, कुछ नहीं। लेकिन एक चक्कर घुमाने 0.5 चलता तो 0.5 का जो पार्ट है मेन पे उनका भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन को तुम्हें समझा दूंगा, ओके अच्छा ध्यान सुन रहे, पेशेंस से लिखने की जरूरत है, क्योंकि जे एडवांस में जो क्वेश्चन आएगा वो हर हाल में होगा अगर तुम इस पर ध्यान देते रहोगे तो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां से आपको समझाता है। ये क्वेश्चन है, ओके तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे जो कि टिपिकल क्वेश्चन है, और जैसे मैं कहूंगा आपको वैसे ही करना है। आप अगर कर चुके होंगे तो भी ध्यान से सुनना, ठीक है, नहीं किए होगे तब तो सुनना ही है, और ध्यान से सुनना क्योंकि एग्जाम में जरूर आएगा, होना जरूरी है। ये नहीं कि एग्जाम में बैठे हैं और चलो पढ़ तो लिया कहने के लिए, बट एग्जाम में हो ही नहीं रहा, सब प्रॉब्लम है ना। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, आपको भी लगेगा कि हाँ अब हो जाएगा सारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में 15 कह रहा है कि देयर आर द टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ व्हिच हैव द 1 सेंटीमीटर डिवाइड इनटू 10 इक्वल डिवीजन। दोनों वर्नियर कैलिपर्स, ये वर्नियर कैलिपर्स है, ये वर्नियर कैलिपर्स है, दोनों पे 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट है। मतलब जो एमएसआर है दोनों कैलिपर का एमएसआर वो 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन है, मतलब 1 एमएसआर क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर होगा, 1 एमएसआर 0.1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड टू 10 इक्वल डिवीजन, तो 1/10। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर सीवन है द 10 इक्वल डिवीजन दैट करेस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा सीवन कैलिपर सीवन की बात करते हैं, ये सीवन कैलिपर से इसकी बात करते हैं, 10 इक्वल डिवीजन दैट करेस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन, तो 10 VSR इज इक्वल टू 9 MSR। ये तो क्या ये एग्जैक्टली इसी को मैच कर रहा है, कहां गया, वन सेकेंड, ये उस कंडीशन को मैच कर रहा है जो मैं अभी अभी आपको बताया था, एक सेकेंड। तो ये है n प्लस वन वी एस आर इज इक्वल टू n एम एस आर,
एन प्लस वन बी एस आर और एन एम एस आर मैच कर रहा है, मतलब क्या ये फॉर्मूला लग सकता है? हाँ। और क्या लीस्ट काउंट के लिए भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो? ये वाला लगा सकते हैं, लगा सकते हो, क्योंकि एन प्लस वन बी एस आर एन एम एस आर के बराबर, तो लिखो जरा से उस पर बन सके आते हैं। तो टेन बी एस आर बराबर नाइन एम एस आर, तो वन बी एस आर क्या लिखोगे? पॉइंट नाइन एम एस आर। लीस्ट काउंट क्या होगा? वन एम एस आर, वन एम एस आर पॉइंट वन सेंटीमीटर, देखो वन एम एस आर पॉइंट वन सेंटीमीटर माइनस वन बी एस आर, वन बी एस आर कितना होगा? ये पॉइंट नाइन एम एस आर है इंटू वन एम एस आर किसके बराबर है? पॉइंट वन के, इट इज 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट, 0.01 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस वर्नियर कैलिपर्स की जो रीडिंग है ऑब्जर्व रीडिंग, क्या उस ऑब्जर्व रीडिंग को तुम सीधे ऐसे लिख सकते हो? एम एस आर प्लस लीस्ट काउंट इंटू वी एस आर, क्या लिख सकते हो? यस लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। देखो एन प्लस वन वी एस आर बराबर एन एम एस आर, अगर एन, देखो कैसे होल्ड करेगा, एक सेकेंड, ये यहाँ पे देखो 9 एम एस आर है ना, एन 9 है, एन 9 है तो एन प्लस वन 10 आ गया, एन प्लस वन बी एस आर बराबर एन एम एस आर, एन प्लस वन बी एस आर बराबर एन एम एस आर, एन प्लस वन, एन प्लस वन बी एस आर बराबर एन एम एस आर, होल्ड कर रहा है, ये फॉर्मूला लग सकता है, लगा फॉर्मूले को एन एम एस आर। तो एम एस आर का क्या होगी? वर्नियर का जीरो नीचे वाला है, इसके जस्ट आगे वाला ये वाला लेवल पढ़ो, ये बनेगा 8। क्यों? ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8, इसको बड़ा कर देते तो देखो ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो जीरो के पहले वाला 8 है, तो एम एस आर क्या लिखोगे? 8 है ना, ये 2 है, ये 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 8 mm आया, 8 mm, तो बनेगा एम एस आर 2.8 सेंटीमीटर, प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 है, मल्टीप्लाई बाय बीएसआर। बीएसआर कौन सा मैच कर रहा है? देखो ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट मैच कर रहा है, देखो ये वाला, ये कौन सा पार्ट है? ये 5 है, ये 6 है, ये 7, सातवां मैच कर रहा है, 7 जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज, अब बर्नियर कौन सा कर रहा है ये देखते हैं, तो दिस वैल्यू इज 2.87। 2.87 देखो तीन जगह तुम्हें दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, तीन जगह ऑप्शन में है, एक जगह यहाँ पे है, एक जगह यहाँ पे 2.87 का, 2.8 यहाँ पे है, बट यहाँ पे तो नहीं है, डी पार्ट तो नहीं होगा, डी पार्ट तो नहीं होगा, बट ए बी सी में से कोई एक होगा। तो पहले रीडिंग तो पढ़ लिया 2.8, अब सी टू की रीडिंग पढ़ने वाली है, तो वर्नियर कैलिपर सी टू की अब हम लोग कल्पना कर रहे हैं यार। तो सी टू के लिए मैंने क्या किया, यहाँ कर दिया सी टू के लिए, अब लिखने जा रहा हूँ। अगर सी टू पे कंडीशन देखना, तो वन सेकेंड, सी टू के लिए कुछ लाइनें पढ़ो, देखो सी टू के लिए, सी टू में क्या रहा है? सी टू हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 10 बी एस आर इज इक्वल टू 11 एम एस आर, मतलब एन बी एस आर इज इक्वल टू एन प्लस वन एम एस आर। तो क्या हम लोग इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं? इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं? इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि n प्लस वन एम एस आर आ गया ना, देखो n प्लस वन एम एस आर आ गया ना, n 10 मान लो, तो 10, तो 10 प्लस वन अलग है, बट मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगने वाला, गलत हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसका, बट लेकिन क्या ये लिस्ट काउंट निकाल सकते हो? हाँ ये तो निकाल सकते हो। क्यों? भाई और लगा हुआ है ना, यहाँ पे और नहीं है, और यहाँ लिस्ट काउंट तो आ सकता है, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई मुझसे कहता कि नहीं सर आप लिस्ट काउंट बता दीजिए, तो मैं अलग से बता देता, तो लिस्ट काउंट इसका कितना है निकाल लेते हैं, हालांकि कोई नीड नहीं है कैलकुलेशन में, क्योंकि ऑब्जर्व रीडिंग तो पढ़ ही नहीं सकते उस फॉर्मूले से। 1 एम एस आर अगेन 0.1 के बराबर है, माइनस 1 बी एस आर, 1 बी एस आर क्या आएगा? 10 बी एस आर 11 एम एम है, 11 है तो 11 अपॉन 10 एम एस आर, और 1 एम एस आर किसके बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है, सिंप्लीफाई कर दो, तो इससे वैल्यू कितनी है बताओगे? ये 1 इज 1.1 हटेगा, तो ये बनेगा 0.01 माइनस साइन आएगा सेंटीमीटर, बट लिस्ट काउंट की मैंने याद करो मॉड लिखवाया था, मॉड मॉड लगा दिया, देखो यहाँ पे मॉड है, मॉड है, यहाँ पे भी मॉड लगा दोगे तुम, मॉड मॉड लगा दो,
answer is again 0.01 सेंटीमीटर इन द लीस्ट काउंट. बट क्या मैं उस फॉर्मूले को लगा सकता हूँ, द एम एस आर प्लस लीस्ट काउंट इन टू नंबर ऑफ बी एस आर, लगा सकता हूँ? ना, नहीं लगा सकता. तो इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, वही एक्स निकालेंगे. वन सेकेंड, हम लोग उसी एक्स को कैलकुलेट करेंगे. वन सेकेंड, डायग्राम थोड़ा सही से देखें इसके यहाँ कर देता है. ठीक है, इसी डू का मेजरमेंट करने जा रहा हूँ. मैं लिखूंगा वन सेकेंड, मैं इधर लिखूंगा सी टू का मेजरमेंट. लेकिन इसके लिए देखना, तो रेडी में मैंने क्या बताया था, ऑब्जर्व रेडी बराबर एम एस आर प्लस एक्स. एम एस आर प्लस एक्स, एम एस आर क्या है? जीरो के पहले वाला, चेक कर लो जीरो. अच्छा, वर्नियर के जीरो के पहले वाला, वर्नियर का जो जीरो है ये इस जीरो के पहले वाला मार्क ही है ना मेन स्केल का एम एस आर. तो पांच है, अगेन एट है, अगेन एट है, तो 2.8 बन गया, 2.8 बन गया. तो एम एस आर इज 2.8 प्लस एक्स लिखना बाकी है ना ऑब्जर्व रीडिंग के लिए. एक्स क्या है, एक्स क्या होगा, एक्स ये दूरी है ना इस लाइन भाई, वर्नियर स्केल की जीरो के पहले वाला मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल का जो जीरो मार्क है उसके बीच की दूरी, ये दूरी है क्योंकि यही तो दूरी है और आगे बढ़ा हुआ इसी एक्स को जोड़ना निकालना बाकी है. इस एक्स के लिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया और अब देखो मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा. देखना एक्स कौन सी दूरी, ये दूरी है. एक्स कौन सी दूरी है, एक्स ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी. इसके लिए मैंने देखो यहां से लेके जहां तक कॉन्साइड हो रहा है, यहां तक कॉन्साइड हो रहा है, यहां तक गया, इस यहां तक गया, यहां से लेके यहां तक की दूरी जहां तक कॉन्साइड हो रहा है उसमें से मैं वर्नियर स्केल की ये दूरी हटा दू, ये दूरी यहां तक हटा दू. मतलब अगर ये मेन स्केल पे मैं यहां से लेकर यहां जहां तक कॉन्साइड हो रहा है, कॉन्साइड अंडरलाइन है वहां तक देखते हैं, इसमें से मैं इस दूरी को हटा दू तो क्या ये बीच की दूरी जो एक्स है एक्स मिल जाएगी, ये दूरी एक्स मिल जाएगी. तो दिस एक्स इज इक्वल टू अब मुझे देखना है कि ये लेंथ किसके बराबर है, ये लेंथ कितने बराबर है यहां से लेकर यहां तक. देखो ये एक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है, यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट है ना. देखो एक यहां से लेके यहां तक कितना पार्ट आ रहा, खाना मतलब ये कितना पार्ट आ रहा है, ऐसा खाना ये कितना आ रहा है. तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट है, ये एट एम एम है. माइनस करना है तुम्हें कितना, ये वाला यहां से लेके यहां तक ये कितना पार्ट आ रहा है, बर्नियर कितना पार्ट आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पार्ट आ रहा है. मतलब सेवन बी एस आर इसमें घटाना है, सेवन बी एस आर कम करना है, घटा दोगे और वही एक्स तुम्हें जोड़ना होगा. ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको छोटा कर दूं ताकि कैलकुलेशन हम लोग कर सके अच्छे से. अब देखो ठीक है, अब इसके ऊपर भेज देते हैं और यहाँ पाते हैं. वन सेकेंड, इसको अब ऐसे कर लो, यहाँ लिख लो. ठीक है, अब ये क्या आ गया, एट एम एम, एट एम एम का मतलब 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर माइनस सेवन वी एस आर है ना. अब वन वी एस आर किसके बराबर, देखो वन वी एस आर 0.9 एम एस आर के बराबर है. नहीं, वन वी एस आर यहाँ से आएगा ना, सी टू है ना, स्केल सी टू में. वन बी एस आर किसके बराबर है, 11/10, 11/10 एम एस आर के बराबर है. नहीं भाई, 10 बी एस आर 11 एम एस आर, तो 1 बी एस आर 11/10 एम एस आर. ठीक है, ये लिखिए क्या, 0.8 सेंटीमीटर माइनस ये बनेगा 77/10, मतलब 7.7 इंटू एम एस आर. एम एस आर तो दोनों के बराबर आया था और एम एस आर की वैल्यू कितनी है, दोनों पे जो एम एस आर की वैल्यू आ रही है दिस इज 0.1 सेंटीमीटर. देखो ये तो सबके लिए इक्वल दे रहा, सबके लिए इक्वल दे रहा, तो 0.1 यहाँ पर रख दो. अब घटा दो, 0.7 से घटा देंगे 0.03 बन जाएगा ये वैल्यू, इतना सेंटीमीटर. रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग है 2.8 प्लस एक्स ना 0.03, तो 2.83 सेंटीमीटर इज आंसर. तो स्केल टू की रीडिंग हुई 2.83 सेंटीमीटर. तो समझ सकते हो इट इज ओनली इन सी पार्ट,
सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके ये तो मैंने आपको ऐसे बताया, इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं ठीक है। तो देखिए बताने जा रहा हूँ, एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, आपको हिम्मत रखना। देखिए हमारा वर्नियर कैलिपर शुरू हो रहा है, इसमें देखो हम अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा ये इसका मतलब होता है ना रिवाइज करने वाला, रिवाइज कर रहे हैं इसको, नंबर ऑफ सर्कुलर इसके रन, ये हम लोग बर्नियर कर रहे हैं, पहले बर्नियर करते हैं। देखो ये कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स एज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल, इट हैड 20 इक्वल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच विद 16 मेन स्केल, द वर्नियर कैलिपर्स द लीस्ट काउंटिंग्स। ओके इसका लिस्ट काउंट निकालना बाकी है ना आप प्रॉब्लम्स। अच्छा एक और बात, तो अब इसका लिस्ट काउंट का तुम्हें पता करना है। ओके अब देखो 6 mm कर रहा है, 1 MSR किसको बुला रहा हूँ, 1 mm, तो 1 MSR इज 1 mm लिख लें। अच्छा 20 इक्वल डिवीजन वी एस आर 16 MSR बराबर है, तो 20 VSR इज इक्वल टू 16 MSR है, इसको ना 2 से डिवाइड करो, 2 से नहीं 4 से डिवाइड करो, क्या बनेगा 5 VSR इज इक्वल टू 4 MSR बनेगा, बन गया 5 VSR 4 MSR आ गया ना, n प्लस 1 VSR और n MSR, तो क्या 1 MSR माइनस 1 VSR यूज करेगा, हाँ यूज करेगा लिस्ट काउंट। व्हाट इज द लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट इज 1 MSR इज 1 mm माइनस 1 VSR, 1 VSR क्या होगा 5 VSR बार 4 MSR, तो 1 VSR बार 4/5 MSR, 4/5 MSR, MSR तो 1 के बराबर है 1 mm, तो वैल्यू क्या आएगी 1/5, दिस वैल्यू इज 0.2, आंसर इज डी पार्ट। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं। ओके ऐसे ही सर्कुलर स्केल है ये भी नहीं, हम लोग वर्नियर स्केल्स पहले बताएंगे फिर सर्कुलर पे चलेंगे। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, 10 में कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ सिलेंडर मेजर विद द वर्नियर स्केल विद नो जीरो एरर, इट फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाई बिटवीन इतना टू इतना ऑन द मेन स्केल, मतलब मेन स्केल रीडिंग क्या होगी 5.10 होगी, क्योंकि 5.15 के पहले आएगी ना लाइज बिटवीन, इसका मतलब ये हो गया कि मेन स्केल पे एक 5.1 सेंटीमीटर का मार्क है, मतलब 51 mm का मार्क है, तो अगला मार्क किसका है 51 सेंटीमीटर है ना, ये कितना सेंटीमीटर 51.5 सेंटीमीटर आएगा mm आएगा, इसका मतलब ये हो गया 5.10 सेंटीमीटर तो mm बदल लो 51 mm, ये 51.5 mm, इसका मतलब 1 MSR जो है ना वो बराबर किसके है 0.5 mm के बराबर है 1 MSR ठीक है। अब वर्नियर स्केल इसके बीच में, मतलब ऐसे है इस तरीके से वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट अगले वैल्यू क्या 51, तो 51 चेक करेंगे, तो 51 का मतलब क्या है mm, मतलब 5.10 सेंटीमीटर, तो 5.10 सेंटीमीटर इज MSR रेडी। प्लस अब थोड़ा लिस्ट काउंट करते हैं, द वर्नियर स्केल हैज 50 इक्वल डिविजन्स टू इतना, 50 इक्वल डिवीजन इक्वलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर, इसका एक बार कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा ना, वर्नियर वन सेकेंड, वर्नियर पे क्या है 50 VSR इज इक्वल टू, करे हर तरह के प्रॉब्लम्स हम दूर रहेंगे, हर बार आंसर सही लाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम के अंदर, 2.45 दे रहा ना 50 इक्वल डिवीजन 2.45 है सेंटीमीटर, तो 2.45 मतलब 44.5 सेंटीमीटर के बराबर, सेंटीमीटर के बराबर सॉरी ये तो एमएम में जाएगा ना भाई, देख लो ना एक बार, और 50 इक्वल डिविजन्स 2.45 सेंटीमीटर, 24.5 mm है, 24.5 mm है ना, ऐसे लिख लिया ठीक है। अच्छा ये बताओ एक एमएसआर किसका है 0.5 mm के बराबर,
एक एम एस आर 0.5 है और वन एम एस आर 0.5 है, तो मुझे बताओ इसमें कितना एम एस आर बनेगा। तो इसमें कितने एम एस आर बनेगा, 0.5 से डिवाइड कर दो, इतना एम एस आर कहलाएगा, एम एम है ना। ये कितना है देखो, तो 50 BSR इज इक्वल टू 5 × 20, 5 × 20 545। गुड, होल्ड कर गया 50 BSR बार 49 MSR। तो क्या ऑब्जर्व रेटिंग का फॉर्मूला वैलिड है बताओ? हाँ वैलिड है, ठीक है। तो ठीक है, देखो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया जाता है ना। लीस्ट काउंट निकाल ले, लीस्ट काउंट निकाल ले, आप क्या लीस्ट काउंट निकालो, लीस्ट काउंट कितना होगा, 1 MSR 0.5 mm है, 1 MSR 0.5 mm है ना, 0.5 mm माइनस 1 BSR किसके बराबर आएगा, 1 BSR। तो 1 BSR तो आपको यहीं से मिल गया, देखो ना 50 BSR बराबर इतना है, इतना एमएम है ना, इतना एमएम। तो 50 BSR इज इक्वल टू 24.5 mm, 1 BSR किसके बराबर आएगा, तो 5 से डिवाइड करो इसको, तो 5 × 20 945, और एक जीरो के वजह से डेसिमल मार्क यहाँ पर लगेगा। अब इसमें से घटाओ तो 0.49 mm, ये वैल्यू क्या बनेगी, 0.01 mm बनेगा, बनेगा देखो ठीक। कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। लिस्ट काउंट इतना है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट काउंट 0.01 mm है, देखिए mm है मल्टीप्लाई बाई, और ये सेंटीमीटर में है, समझ रहे हो ना, ये भी प्रॉब्लम है, इसको भी तुमको बाद में बदलना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में चल रहा है, समझ रहे हो। अब कौन सा कॉइंसाइड कर रहा है, 24 डिवीजन बनी इसके लिए एग्जैक्टली कॉइंसाइड विद द वन ऑफ द 24 इसे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये रीडिंग में यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इसको भी ये सेंटीमीटर में है तो 5.10 सेंटीमीटर आएगा, प्लस इसको सेंटीमीटर क्या बनेगा, 0.0000 बन जाएगा ना ये, और इंटू 24, तो समझ सकते हो कितना आएगा पता है, ये बनेगा एक जीरो और लगेगा तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 5.124 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर बी पार्ट, गॉट इट। तुम देखते रहना, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा वर्नियर कैलिपर्स का। इसके बाद अब आते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 पर, 13 क्वेश्चन देखना। हालांकि 13 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किसी वीडियो में शायद नहीं किया है, बट ओके 13 क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाइट बोर्ड पे चल के, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2000 किसका है, 15 का है, एक अच्छा क्वेश्चन है। अब बताता हूँ, सीधे से लिखने का व्हाइट बोर्ड पर पढ़ते हैं पहले। कंसीडर अ वर्नियर कैलिपर्स, कंसीडर अ वर्नियर कैलिपर्स इन विच 1 cm ऑन मेन स्केल डिवाइडेड इनटू 8 equal divisions एंड इस एंड अ स्क्रू गेज। देखना, वर्नियर कैलिपर्स इन विच 1 cm मेन स्केल डिवाइडेड 8 equal divisions। व्हाइट बोर्ड पे चलो, वन मेन स्केल डिवाइड बाई एट ना, तो 1/8 cm, ये 1 MSR बनेगा, बनेगा देखो। वर्नियर कैलिपर्स इन विच 1 cm ऑन मेन स्केल डिवाइड 8 equal divisions, 1 cm को 8 से डिवाइड करो, 1/8, ठीक है, मतलब मेन स्केल डिवाइड 8 equal divisions, मेन स्केल किसका, वर्नियर का। तो वर्नियर पे का जो मेन स्केल है वर्नियर का, वर्नियर का 1 MSR 1/8 cm के बराबर। और स्क्रू गेज पे क्या, देखो स्क्रू गेज पे क्या, स्क्रू गेज पे है विद 100 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, स्क्रू गेज पे टोटल 100 डिवीजन है, टोटल 100 डिवीजन है। इन वर्नियर कैलिपर्स 5 डिवीजन वर्नियर स्केल कॉइंसाइड विद द 4 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 5 VSR, 5 VSR इज इक्वल टू 4 MSR। तो क्या लिस्ट काउंट के लिए लगा सकते हो 1 MSR, 1 MSR? हाँ लगा सकते हो। और क्या ऑब्जर्व रेटिंग लगा सकते हो, एम एस आर प्लस लिस्ट काउंट इंटू VSR? हाँ लगा सकते हो, ठीक है दो, ठीक है। यहाँ से 1 VSR किसके बराबर आएगा, 1 VSR हो जाएगा 4/5 MSR, 4/5 MSR क्या है, 1/8 है, यहाँ पे 1/8 कर दो, तो यह जाएगा कितना, 4 × 8 × 10
is 0.1 centimeter. ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब कोई पूछे वन ईयर का रिपल्स का लिस्ट काउंट बताइए। लिस्ट काउंट वन एम एस आर माइनस वन बी एस आर लगा सकते हो? यस ठीक है, वन अपॉन एट माइनस पॉइंट वन है सेंटीमीटर में, ये कितना है बता सकते हो? आठ कम आठ, आठ दूनी सोलह, आठ छः पॉइंट वन। कैलकुलेशन चेक तुम्हें करता रहना पड़ेगा। 0.025 सेंटीमीटर, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, 0.025। सही है, एक बटा आठ कितना होता है? 125 ही होता है। आठ एक आठ, आठ दो सोलह, आठ पे 40, ठीक है 0.025 सेंटीमीटर। ओके गॉट इट। अब क्वेश्चन पे आता है। अब क्या रहा है क्या? इन द स्क्रू गेज द कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मूव इट बाय टू डिवीजन ऑफ लीनियर स्केल। टू डिवीजन, तो जो पीच है वो टू डिवीजन के बराबर है ऑफ लीनियर स्केल। तो जो पीच होगा इसका, पीच दिस इज ट्वाइस ऑफ एम एस आर के बराबर। तो ये एम एस आर, ये वर्नियर का एम एस आर नहीं है, ये एम एस आर स्क्रू गेज का एम एस आर। अब इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है? अरे दोनों के एम एस आर अलग नहीं, वर्नियर कैलिपर्स में जब मैं इसके लगाओगे वो उसी को निकाल के तेगा स्क्रू गेज में लगा लोगे क्या? दोनों अलग अलग। ये पार्ट क्या रहा है? इफ इफ द पीच ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज, देखो और एक चीज मैं तो आपको बता चुका ऑलरेडी, स्क्रू गेज का जो पीच होता है, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज ऑलवेज पीच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन, एनएसआर, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल या सीएसडी लिख लो बेटर रहेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखना, इफ द पीच ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ पीच ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का जो पीच है, ये पार्ट बता रहा हूं, टू एम एस आर इज इक्वल टू पीच ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, ट्वाइस द लीस्ट काउंट। अब वर्नियर का लीस्ट काउंट क्या है? 0.025 बराबर सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा क्वेश्चन के अंदर? देन लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जानना, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होगा यहां से आएगा पीच, पीच कितना आएगा? 2 MSR, 2 MSR इसके बराबर है, तो 2 × 0.025 एंड CSD 100 है ना, यहाँ पे 100 लिखता इतना सेंटीमीटर है, ये कितना है बता सकते हो? ओके अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू प्लेस करो, सिंपलीफाई करोगे तो पूरी वैल्यू आती है 0.0005 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 0.005 mm है, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्वेयर इज 0.005 mm, और तुम देख सकते हो कि ये 0.01 है, ये नहीं होगा, और ये क्वेश्चन हम सेम है, द पीच ऑफ स्क्वेयर इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट, द लीस्ट काउंट इज 0.005। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ए पार्ट गलत ऑप्शन, सी पार्ट। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्वेयर इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्वेयर ट्वाइस द लीनियर स्केल का जो लिस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल, लीनियर स्केल का लिस्ट काउंट स्क्रू गेज पे कौन सा? देखो तो एक सेकेंड, इसका सी पार्ट बताते हैं। लीनियर स्केल का लिस्ट काउंट 1 MSR का आएगा ना, स्क्रू गेज के ऊपर 1 MSR इज इक्वल टू, उन्होंने दिया है क्वेश्चन के अंदर क्या, ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर स्केल, बर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट का ट्वाइस है, ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर स्केल जो कि है इतना, यह 0.025 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने क्या पूछा है, लिस्ट काउंट बताइए किसका, द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट पूछ रहा है। तो क्या होगा, पीच कितना है? पीच होगा आपका 2 MSR, तो 2 MSR, MSR इसके बराबर है, तो 2 × 0.025 एंड डिवाइड बाई 100, तो दो दो नहीं चार आएगा, ये 100 बनेगा, आएगा 0.0, जो मुझे समझ में आ रहा है 0.1 mm आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखो ये सेंटीमीटर बनेगा, 1 mm में कन्वर्ट कर दो 0.01 mm, इसका मतलब इसका सी पार्ट क्या है, सही। और वही क्वेश्चन यहाँ पे डी पार्ट उन्होंने पूछ रखी है, इट्स आंसर इज बी एंड सी। ओके इसके बाद आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, मैं बता ही दिया आपको
1 सेकेंड। और इसमें कोई वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है? देखते हैं। बस इसमें देता ही है। इसके अलावा मैं दूसरे क्वेश्चन बताता हूँ, देखना क्या है। ये देखना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखना। क्वेश्चन नंबर 11 मार्किंग चाहोगे इसकी? ठीक है। द कह रहा है द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज कैलिब्रेटेड इन एमएम एंड 90 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद 20 वीएसआर। ठीक है, तो 20 जो वीएसआर है दिस इक्वल टू 90, तो तुम समझ सकते हो 90 एमएसआर, तुम वो फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, इट मेजर द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर द मेन स्केल रीड 35 डिविजन, 4 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल। 35 डिवीजन का मतलब ये एमएम में चल रहा है, डिफॉल्ट के 100 एमएम है, 35 एमएम एमएसआर की रीडिंग है। प्लस लीस्ट काउंट निकाल लेना, लीस्ट काउंट देखो उन्होंने लीस्ट काउंट निकाल लिया, तो मैंने निकाल के रखा है। देखो एमएसडी 0.1 एम चल रहा है, इससे मैंने क्या किया लीस्ट काउंट निकाल लिया। और फिर फॉर्मूला में इतना आएगा डायमीटर के लिए, मैंने इसके लीस्ट काउंट लगा दिया इतना, उसका आधा करोगे तो तुमको मिल जाएगा रेडियस। ठीक है, ओके।